चांवर असंजे खुराक जो बुनियादी जुजो आहिन जेके गरीबन जी झोपड़ियन खां अमीरन जे बोर्ची खानन ताई शौक सा पचाया वनन था। इन खां सवाय सिंध जा चांवर पर देह में विक्रो करे गैर मुल्की नाणो पिण कमायो वने थो। सिंध जैंजी आबहवा आई जमीनों सारिन जे फसल लाए निहायत घणी मौजून आहिन। इन लाए जरूरत इन गाल जी आहे त बेहतर नमूने फसल पोखे वधीक पैदावार हासिल कई वने। सारिन जे मुख्तलिफ जिंसुन लाए पोखिए जा वक्त मुख्तलिफ आहिन। आम तरह दखण सिंध में बेजारे जी तैयारी 10 अप्रैल खां आई उत्तर सिंध में 15 मई खां शुरू थे थी। तफसील लाए कह वेझे जरई माहिर सा राप्तो करण घुर्जे। बेजारो पोखण लाए जमीन के 2-3 सुकिया जा हर डई अध अध वेसे जू बारियूं ठाहे जन। तैयार बारन के गुड़ डेई समत में आण जे बारिन जे हमवार थियण बाद बारिन में कख पन आई वथाण जो भाण विझी बाह दिजे। ये करण सा एक तरफ गंदगाह जा बिज बीमारिन जा तुखुम आई जीत खत्म थी वेंदा। आई बे तरफ इन खाक ते तैयार थियल बेजारो कढ़ण वक्त आसानी सा निकरी इंदो आई पाड़ुन के नुकसान न रसंदो। जडहें बाहे दिनल बारन जी खाक ठरी वने त पानी देई मथा बिज छट जे। बिज सिफारिश थियल जिंसुन जेहड़ोक इरी 6 इरी 8 सदा हयात डीआर 92 डीआर 82 डीआर 83 आई कंवल 95 लाए 6-7 किलोग्राम फी बारी लतीफी लाए 5-6 किलोग्राम फी बारी आई खुशबू 95 शादाब शुआ 92 आई सरशार लाए 3.5-4 किलोग्राम डियन घुर्जे। बेजारे के पोखिए बाद 10-15 दिन रखी हर बारिय के अधु किलो यूरिया भाण डियन घुर्जे त जिए बेजारो भलो थिए। दानेदार दवा जो पिण अधु किलो फी वेसे जे हिसाब सा जरूर डियन घुर्जे। आम तौर ते बेजारो 25-35 दिन दौरान रोंबे करण लाए तैयार थी वने थो। जहां बाद रोंबे लाए बेजारो पटण में देर हरगिज न कजे। सारिन जे रोंबे लाए जमीन जी तैयारी सुकिए जा ढगन जरिए 4-5 हर डई भितर भनी जमीन के समत में आण सा कचे। पर जे कदें ट्रैक्टर मौजूद हुजे तो पोए थालिन वारो हर या राजा हर डई मथा 2 कल्टीवेटर जा हर हणी जमीन तैयार कजे। रोंबे जो वक्त मुख्तलिफ जिंसुन लाए मुख्तलिफ आहे। इन लाए कें वेझे जरई माहिर जी रहनुमाई वठण घुर्जे। उमूमन
दखण सिंध में मई महीने खां आई उत्तर सिंध में जून जे महीने खां रोंबो शुरू थे थो। रोंबो आम तरह सा लस वारे तरीके सा थिए थो, पर इन तरीके खां कतारुन में रोंबो करण सा फसल भलो थे थो। उन लाए टे रस्यूं हथ करे हर एक रस्सी में अठन इंचन जे मुफासिले ते कपड़े जूं अगड़ियूं बधजन। जै बाद बारे जे बिन बनन सा लग ब रस्यूं किलन रस्ते बधजन आई टी रस्सी जै तरफ रोंबो करणो हुजे उते रखी अगड़न वारन निशानन ते बेजारो हणबो वंजे। अड़ी रीत रोंबो करण से बूटन कतारुन विच में एक जितो फासिलो अठ इंच बीहंदो, जैजे नतीजे में एक लख बूटा फी एकड़ मिलंदा पैदावार सुठी लहंदी। भाण जण लाए पोखिया खां अग उन जमीन जी मिट्टी जरूर चकासराए जी लेबोरेटरी जी सिफारिश मुताबिक फसल के भाण डिजे त वधिक सुठो थींदो। पर जिते पोखी थी चुकी हुजे उते रोंबे जे हफ्ते अंदर सवा बोरी डीएपी अध बोरी यूरिया फी एकड़ फसल में छटण घुर्जे। अड़ी तरह यूरिया जो बो वजन मुनी बोरी फी एकड़ पोखिय जे टीहन खां पंजेतालीहन दीहन बाद देन घुर्जे। सारुन जे फसल में जिते जिंक जी खोट जा निशान जेड़ोक सारुन जो कद नंढो तीलन जो घट तैदाद पन्नन ते कट जा निशान नजर अचन त जिंक इस्तेमाल कजे। इन लाए पाकिस्तानी जिंक 20 सैकड़ो 16 किलोग्राम या ऑस्ट्रेलियाई जिंक 36 सैकड़ो 9 किलोग्राम फी एकड़ ओतरी मिट्टी में मिलाए